सर बिल्कुल अनकंफर्टेबल लग रहा है इसमें। अनकंफर्टेबल, बिल्कुल अनकंफर्टेबल है इसमें। स्पेशल मिर्चे। अच्छा, तो एक बार खाएगा हो जाएगा चिरचे। क्या हाल चाल है आप सभी को। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12487 सीमांचल एक्सप्रेस में, जो कि बिहार के जोगबनी रेलवे स्टेशन से रोजाना शाम 8:30 पर निकलती है और आपको अगले दिन शाम 8:45 पे ANVT मतलब आनंद बिहार टर्मिनल पहुंचाती है। तो ये जो ट्रेन है लगभग 1380 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 17 हॉल्ट के साथ लगभग 24 घंटा 15 मिनट। वैसे हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली है कटिहार जंक्शन से, जहां पे सीमांचल एक्सप्रेस का पहुंचने का टाइम है रात के 10:50 ये ट्रेन आती है, लेकिन आज 10 मिनट बिफोर आई है अपनी ट्रेन। वैसे ये जो ट्रेन है ना ये चलती है जोगबनी से। कटिहार से जोगबनी का डिस्टेंस है लगभग 115 किलोमीटर। और आज की जो जर्नी है ना वो हम लोग की होने वाली है थ्री AC इकोनॉमी कोच में। जब इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया था थ्री AC इकोनॉमी कोच आज से लगभग 8 महीना पहले, तब हमने पहली बार जर्नी किया था और आज फिर से मौका मिला है जर्नी करने का। तो चलिए देखते हैं लगभग 8 महीने बाद क्या हाल है थ्री AC इकोनॉमी कोच का, वो भी सीमांचल एक्सप्रेस का। वैसे सीमांचल एक्सप्रेस में सिर्फ एक ही थ्री AC इकोनॉमी कोच इसमें लगा हुआ है और आज अपनी सीट है 67 अपर बर्थ मिला है भाई। चलिए, और ये है थ्री AC इकोनॉमी कोच का इंटीरियर। वैसे हमने आपको इससे पहले दिखा दिया था, कंडीशन तो सही लग रहा है भाई, लगता है कुछ दिन पहले ही लगाया गया। 67 अपर बर्थ कितना हुआ? यहाँ से हम लोगों ने अभी ले लिया ये 2 लीटर पानी, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं है। और भाई कैसे खुलेगा डोर। और ये मत समझिएगा कि ये रेलवे अप्रूव नहीं है, ये भी रेलवे अप्रूव पानी है। ये देखिए, स्पेशली पैक फॉर रेलवे। और भाई कटिहार में इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। 15 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोगों को चेंज किया जाता है। कटिहार से पहले तक मतलब जोगबनी से कटिहार तक ये ट्रेन आती है डीजल लोकोमोटिव के साथ, फिर यहाँ से ये ट्रेन चलेगी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ, इसलिए 15 मिनट का टाइम यहाँ दिया गया है। सिर्फ लोकोमोटिव चेंज होता है, रिवर्स नहीं चेंज होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी फिलहाल कौन सा लोकोमोटिव लगाया गया है, क्योंकि कोच अपनी आगे है। तो चलिए शायद दिखा सकते हैं, तो दिखाते हैं। तो भाई लोकोमोटिव को चेंज कर दिया गया है और इसमें डीजल लोकोमोटिव हटा के लगाया गया है अभी हावड़ा का WAP-7 लोकोमोटिव। और अब देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे यहाँ शिव जी का मंदिर भी है, हम पहली बार देख रहे हैं कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हर हर महादेव। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कोच में। तो अभी जो है यहाँ से हमने लिया ये गोलस्सी, ये भी पियेंगे। और एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पे लिखा जनता खाना लिखा हुआ है ना, 175 ग्राम 15 रुपया, लेकिन किसी भी स्टॉल पे नहीं है। ये 9 नंबर स्टॉल है और आगे भी एक स्टॉल है शायद 10 नंबर स्टॉल है, वहाँ भी पूछे थे, वहाँ इसी जनता खाना का दाम है 20 रुपया, ठीक है, वह 175 ग्राम का, लेकिन उनके पास भी नहीं है। मतलब ये लोग रखते नहीं हैं, बस लिख के रखते हैं। और इस स्टॉल पर देखिए जनता खाना का रेट 175 ग्राम 20 रुपया, मतलब वहाँ 15 और इधर 20। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी को पता है मैं ट्रेन से बहुत ट्रैवल करता हूं और हमने बहुत जगह इंडिया में ट्रेन से ट्रैवल किया है। तो अब हम सोच रहे हैं ना क्यों ना एक फॉरेन का ट्रिप करी जाए। इस बार जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो हमने सोचा क्यों ना US की ट्रिप की जाए और मेरा इंग्लिश भी थोड़ा इम्प्रूव करूं, जिससे मुझे ट्रिप में कभी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कहीं आप बाहर जाते हो तो वहां का लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने डुलिंगो नाम की इस ऐप पर इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। डुलिंगो दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जहाँ पर स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन जैसे 40 से अधिक लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश भी सीख सकते हैं। ये एक खेल की तरह है और इस ऐप को यूज करना भी बहुत आसान। डुलिंगो फोकस करता है स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ऑल 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। और हर दिन ये आपको रिमाइंडर भी देता है। एंड यू ओनली हैव टू गिव 10 मिनट्स अ डे। डुलिंगो पे बहुत सारा टॉपिक है, लाइक ट्रेवल, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ETC in each language to help to learn language efficiently. So description में link है, जाइए डुलिंगो ऐप डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। So guys, अपनी ट्रेन जो है लगभग यहाँ से 10 मिनट डिले निकली है। तो रात के बज रहे हैं 11:30, तो भाई रात में आपको क्या दिखा है, बाहर का नज़ारा तो कुछ आप देख नहीं पाइएगा। और वैसे भी कोच के लगभग पैसेंजर सो गए हैं, लाइट वगैरह बंद हो गया है, तो हम भी सोते हैं। और रही बात डिनर की, तो डिनर भाई हमने कटिहार में ही कर लिया था, तो चलिए सोते हैं। ऊपर वाला बर्थ देख रहे हैं भाई, ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, ये हाल होता है। 3AC कोच में, 3AC इकोनॉमी में डिफरेंस ये है कि उसमें 72 सीट रहता है, इसमें 82 सीट, मतलब 10 सीट का डिफरेंस है और प्राइस में 100 रुपये का डिफरेंस है। तो चलिए सोते हैं। और हाँ, इसमें बेडशीट वगैरह भी सीमांचल एक्सप्रेस में पिल्लो बेडशीट ये नहीं मिल रहा है, तो घर से लाए हैं बेडशीट, वो बिछाएंगे और सोचेंगे। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह में, बाय। मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बजने वाले हैं लगभग 7, और अभी जो है अपनी ट्रेन है बक्सर रेलवे स्टेशन के आसपास, और 5 मिनट डिले चल रही है अभी फिलहाल अपनी ट्रेन। कुछ देर पहले अभी सो के उठे हैं। रात में क्या हुआ था ना कि अपने कोच में AC में प्रॉब्लम हो गया था, AC प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। 5 मिनट चल रहा था, फिर बंद हो जा रहा था, 5 मिनट चल रहा था, फिर बंद हो जा रहा था। फिर कंप्लेन करने के बाद, सभी पैसेंजरों के द्वारा कंप्लेन करने के बाद 1 बजे के बाद से AC प्रॉपर तरीके से चला। उसके बाद सोए, तो अभी जाके नींद खुला, जस्ट फ्रेश होकर अभी बाहर आया। और अब देख सकते हैं ऊपर वाला सीट अगर आपको मिलेगा ना भाई साहब, तो काफ़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी को। सबसे बड़ी बात है कि आप नीचे आकर बैठ भी नहीं सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए नीचे वाले जो भी पैसेंजर हैं लेटे हुए हैं, और अभी 7 बजने वाला है, 5 मीटर नीचे बैठे हैं और अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। फ़ोन चार्ज हो जाता है, उसके बाद फिर देखते हैं अगला स्टेशन आएगा दिलदार नगर जंक्शन, वहाँ पर फिर आपको चलिए। तो साइड पेंट्री से इस ट्रेन में आपको सुबह में ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा गर्मा गर्म समोसा। कैसे भैया? 20 रुपये प्लेट, और एक प्लेट में 2 समोसा आपको मिलेगा। कहीं भी चले जाओ तो भाई ये आ गया अपना गर्मा गर्म समोसा, ये देखिए। टेस्ट भी सही है मिला जुलाकर, शायद इसका छोटा सही है। वैसे भी आपको इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में यही मिलेगा, पेंट्री तो है नहीं लेकिन साइड पेंट्री में ये बनता है, मतलब तो बाहर से बोर्ड किया जाता है, बनता नहीं है। भाई लगभग 545 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहां पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग जो ट्रेन है यहां पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। और दिलदार नगर रेलवे स्टेशन जो है ये आता है उत्तर प्रदेश में, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 4, और अभी फ़िलहाल यहाँ रोज़ाना 52 ट्रेन आकर रुकती है, और यहाँ से 8 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। हमने ऑनलाइन ब्रेकफास्ट जो है अगले स्टेशन से, मतलब DDU से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, तो इसमें पेंट्री कोच है नहीं। तो भाई देखो भूख तो लगा हुआ था, सच बताए तो रात में अच्छी तरीके से हम खाए नहीं थे कटिहार में, तो अभी 2 समोसा खाएं, उसी से काम चल गया अपना। समोसा ठीक ठाक था। तो भाई लगभग 605 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग जो ट्रेन है ना यहां पहुंची है लगभग 40 मिनट बिफोर। जी हाँ, कितने का भैया? 10 का एक मिनट, चिखाने ना होगा तो भाई यहाँ से हमने ले लिया ये खीरा 10 का प्लेट। तो भाई अपना खाना आ चुका है, यही है ना। हाँ, OTP नंबर OTP बताना पड़ेगा। तो भाई अभी भी 15 मिनट का टाइम बाकी है अपनी ट्रेन के डिपार्चर में। तो सोच रहा है ना कि लंच जो है यहीं पे कर ले, स्टेशन पे ही कर ले, क्योंकि क्या है ना कि ये 3AC इकोनॉमी कोच है। यहाँ पे भाई बैठने में इतना प्रॉब्लम होता है। एक तो हम जिस केबिन में है, मतलब मेरे नीचे लोअर बर्थ वाले, मिडिल बर्थ वाले, वो तो अपना सीट अभी तक नीचे किए ही नहीं। खाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, इसलिए सोचे कि यहीं पर खा ले। वैसे थाली हमने निकाल दिया, मैं आपको दिखाता हूँ ये थाली में क्या क्या है। मिलेगा ये जीरा राइस और साथ ही ये दाल, और दाल का थिकनेस उतना अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं दाल की क्वालिटी आप देखिए, दाल उतना अच्छा नहीं है। ये है दही और ये 4 पराठा, मीठा में लड्डू दिया गया है, और ये चने की सब्जी ये रहा, और साथ ही ये पनीर की सब्जी, इसमें पनीर का 3 टुकड़ा दिया गया है, और साथ ही ये पापड़ और एक पानी का बोतल दिया गया है। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो हमने हर चीज़ ट्राई किया है। तो दाल थोड़ा सा मुझे हल्का फीका लगा, और अदरवाइज जो भी सब्ज़ी मुझे मिला, जैसे चने की सब्ज़ी हो, चाहे पनीर की सब्ज़ी हो, चाहे ये जीरा राइस हो, भाई वो एक नंबर है, एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म दिया गया। दाल भी गर्म है नो डाउट, और पराठा जो दिया गया वो भी गर्म है। तो ओवरऑल जो थाली है ना काफ़ी बढ़िया है, अगर सिर्फ ये इसको दाल को हटा दिया जाए तो। चलिए फटाफट खा जाएंगे क्योंकि समय है नहीं भाई, अब 10 मिनट का समय बचा है, 10 मिनट में इसको निपटाना है फिर निकलना है, क्योंकि अंदर एक प्रॉब्लम होता है, अंदर में तो खा ही नहीं सकते हैं भाई। और मीठा में दिया गया है लड्डू। वैसे खाना कभी भी जल्दीबाजी में नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, 10 मिनट हो गया, 5 मिनट का समय और बाकी है। इस इकोनॉमी कोच में आपका बर्थ अगर साइड लोअर है, साइड अपर है तो सही है, तब मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इधर का कोई भी सीट अगर आपको मिल गया ना, लोअर, मिडिल, अपर, तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला। आप देख सकते हैं किस तरह से बैठे हुए हैं, आधा झुके हुए हैं, बैठे हुए हैं। भाई 100 रुपये के चक्कर में 3rd AC को छोड़कर इसमें जर्नी करना मेरे समझ से सही नहीं है। नो डाउट 3rd AC के अकॉर्डिंग 3AC इकोनॉमी में फैसिलिटी तो है, लेकिन उस फैसिलिटी का क्या मतलब जब आपकी जर्नी अनकम्फर्टेबल हो। फैसिलिटी में आप देखिए, आपको इसमें USB केबल चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, AC वेंट मिल जाएगा, हर सीट पे नए डिज़ाइन का बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा, फुट ऑपरेटेड वाटर डिस्पेंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ है 3AC इकोनॉमी को 3AC कोच से अलग बनाता है। फैसिलिटी तो है, बिल्कुल मॉडर्न कोच है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। हमने पहले भी बताया था आपको, आज से 8 महीना पहले जब इस कोच को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, तो पहला दिन ही हमने जर्नी किया, उस दिन ही बताया था, और आज दूसरी बार जर्नी कर रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी में जर्नी कर रहे हैं क्योंकि टिकट मिला नहीं। अगर टिकट दूसरे कोच में मिलता तो हम दूसरे कोच में ही जाते हैं। मजाक में अभी लेना था क्या, मिल जाएगा उसका काम बढ़ गया, आप लेके आएगा। प्यार से ऐसे करता, हम लेते ऐसे फेंक रहा है। लगभग 745 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट, प्रयागराज जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है PRYJ। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। हम लोग जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है लगभग 20 मिनट डिले, टाइमिंग से ज़्यादा है। अभी यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ ठंडा मिल जाए, फ्रूटी फ्रूटी पिलाइए। फ्रूटी एक, हाँ ठंडा है ना। और भाई यहाँ से हमने लिया ये मैंगो ड्रिंक, ये मुझे पड़ा 45 का। और ब्रांड देखिए एल्विस मैंगो मस्ती। एमआरपी कहाँ है यार? वैसे यहाँ पे एमआरपी होना चाहिए लेकिन वो मीठा हुआ है, चलिए कोई नहीं, इसे पीते हैं। ये बताइए पहली बार जर्नी कर रहे हैं इसकी? यस सर, इसमें इस कोच में पहली बार, बल्कि ये मैंने सुना था ये नया कोच बना है। हाँ, तो मैंने जानबूझ के इसकी टिकट बुक करवाई थी। ये 8 महीना पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जी 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 जी, तो ये अभी शुरू हुआ है कुछ 1 महीने से। तो इस ट्रेन में भी 1 महीने पहले लगाया। हाँ, तो मैंने अभी चाप से इसकी टिकट बुक करवाई। तो आपको क्या लग रहा है इस कोच में? तो सर बिल्कुल अनकम्फर्टेबल लग रहा है इसमें। अनकम्फर्टेबल? बिल्कुल अनकम्फर्टेबल है इसमें। तो बिल्कुल ही आप देखिए, अगर हम बैठेंगे आमने सामने सभी साथी बैठेंगे मिलके दोपहर में, तो इसमें बैठ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। उसके बाद सब देखिए ऊपर वाले में, ऊपर वाले बिल्कुल ही, तो ऐसा मेरे को थोड़ा सा मौज भी आ गई कवर में। पर लेट तो सकता है आदमी, झुका भी नहीं, झुक के भी नहीं बैठ सकता है। एक झुक के ना बैठ गया, झुक के भी नहीं बैठ सकता है। यही चीज़ हमने बताया था आपको पहली बार जब हमने जर्नी किया था कि ऊपर वाले बर्थ पे तो बैठ भी नहीं सकता किसी भी तरह, किसी भी तरह नहीं बैठ पाया। हाँ। अब ऊपर से देखिए स्पेस देखिए कितना कम कर दिया है। पैसेज में जो है स्पेस कम है, फिर 2 आदमी आमने सामने बैठता है तो आपस में पैर भी टकराता है। वैसे फैसिलिटीज में जो मिला है वो कैसा है? फैसिलिटी अच्छी है सर, फैसिलिटी बढ़िया है, साफ सफाई है, बाथरूम बहुत अच्छे बने हुए हैं इसमें, टॉयलेट बहुत अच्छे बने हुए हैं, एसी वेंट वगैरह इसमें दिया गया है। हाँ, इसमें जो है बाकी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी है जो हमें बेनिफिट देती हैं, तो कुछ कमी है तो सुधार हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, क्या है कि नॉर्मल कोच से ना इस कोच में है फैसिलिटी बेस्ट है। हाँ, लेकिन क्या है कि अब थोड़ा कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड है, क्योंकि इसमें क्या किया गया 10 सीट बढ़ा दिया गया। नॉर्मल कोच जो होती है 3rd AC का, उससे उसमें 72 होता है, इसमें 82 सीट है, मतलब 10 सीट का डिफरेंस है। तो इस चक्कर में जो है ना थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। फिर अब क्या करें, जिनको जर्नी करना है वो तो करेंगे। आप पहली बार जर्नी करें, इसके बाद फिर आप कोशिश कीजिएगा दोबारा इसी में जर्नी करने का? नहीं सर, नहीं नहीं, हम उसमें आएंगे सर, नॉर्मल वाले में आ जाएंगे। यही चीज़ हम भी आपको बोल रहे थे कि भाई क्या करें, मजबूरी में करना पड़ा, नहीं तो भाई ये तो नए का चाव था, देखना था। हाँ, तो इस वजह से आनंद बिहार को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रहे हैं। 950 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की जो ट्रेन है यहां पहुंची है लगभग 15 मिनट डिले। और भाई गर्मी बहुत हो रहा है, अंदर तो सही है, एसी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। रात में क्या हुआ था ना, एसी काम ही नहीं कर रहा था, हर 5 मिनट के बाद एसी बंद हो जा रहा था। फिर लास्ट में पैसेंजरों ने कंप्लेन किया, तब जाकर एसी प्रॉपर तरीके से काम किया, वो भी रात 1 बजे के बाद। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। ऐसे लास्ट स्टेशन पे हमने खोजा था लस्सी, लेकिन लस्सी मिला नहीं था। शायद कानपुर रेलवे स्टेशन पे लस्सी या पल्पी ऑरेंज ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक लस्सी कितना। वैसे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1930 में, और अभी फ़िलहाल यहाँ रोज़ाना 353 ट्रेन आकर रुकती है, मतलब 350 से अधिक ट्रेन आकर रुकती है। और यहाँ से 35 ट्रेन रोज़ाना ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, और 10 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। हावड़ा के बाद दूसरा नंबर ना सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में कानपुर का ही आता है। देखिए मेरे जो पैसेंजर है बहुत मस्त आजा रे चले तू आजा, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले। गाइए ना वैसे पूरी जर्नी में तो वो मिटवा रे मिटवा तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे, तू आजा रे। तो चलिए गाने के साथ आपको डिपार्चर भी दिख गया होगा इस ट्रेन का। वैसे पूरी जर्नी हम गाना गुनगुनाते हुए आए हैं, गाना सुनते हुए आए हैं, सही है। ऐसा मतलब को पैसेंजर मिल जाए ना तो भाई जर्नी कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। अरे नहीं सर आपके जैसे दोस्त मिलते रहे तो मज़ा आ जाए। ट्रेन है पहुंच चुकी है टुंडला जंक्शन और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग जो ट्रेन है ना बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है। क्या कहते हैं, बड़ा मज़ा आ गया जर्नी में। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आया हूँ और ये ट्रेन टाइम पे पहुँच रही है। इनका कहना है कि ट्रेन से जर्नी करते रहते हैं लेकिन ट्रेन ट्रैवली नहीं होती है। पूरे 1.5 साल हो गया मुझे इस ट्रेन से रेगुलर चलते हुए, कभी मैं टाइम से नहीं पहुँचा। तो अभी ऐसा है कि अभी तो आज का दिन वेरी लकी। आगे देखिए ना आगे क्या होता है, आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अभी तो टुंडला है, अब देखिए टुंडला है, मजा आ गया। टुंडला स्टेशन पे मैं पहली बार उतरा हूँ। अच्छा, और काफी बढ़िया स्टेशन का साफ सफाई कैसा लगा? बड़ा मजा आ गया, बढ़िया है, मस्त एकदम। चलिए ठीक है, यहाँ से ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी। अगर तो कोई स्टॉल है नहीं कि कुछ ले भी सके। ये थे अपने को पैसेंजर। पूरी जर्नी हम लोग बातचीत करते हुए आए, अलीगढ़ के ही थे, मिलकर काफ़ी अच्छा लगा इनसे। चलिए मौका मिलेगा तो फिर दोबारा मिलेंगे, नहीं तो इंस्टाग्राम तो है ही। ठीक है चलिए बाय। अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है लेकिन हम लोग जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है 10 मिनट बिफोर। और हमने तो आपको वीडियो में कई बार बोला कि भाई अलीगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है। मेरे को पैसेंजर आज बोलेंगे किस चीज़ के लिए बोलेंगे। देखो भैया अलीगढ़ का ताला और अलीगढ़ का भाला, भाला ही फेमस है भैया, दोनों चीज़ मशहूर है। ये अलीगढ़ है, अली का गढ़। और समझ लो यहाँ का कुत्ता भी शेर माना जाता है। अरे वाह, मतलब भाई ये लगा लो अब ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ तो अलीगढ़ ही है। इसका इतिहास जरा पढ़ना। अगर ऐसे को पैसेंजर का मिल गए ना रोजाना हर जर्नी में तो मज़ा ही आ जाएगा। सारा डिटेल्स यही लोग दिया करेंगे, बस और क्या है। आलू के पकौड़े यहाँ मिल रहे हैं अलीगढ़ में 30 के 2। ये आ गया अलीगढ़ का आलू की पकौड़ी, ये है मिर्चे स्पेशल मिर्चे। अच्छा तो एक बार खाएगा हो जाएगा चिरचे। अच्छा खा के देखिए तो कैसा है, ट्राई कीजिए तो। सही है, देखिए गिरे नहीं। बस कैसा लग रहा है आलू का पकौड़ा? सही है 30 रुपए के हिसाब से, सही है प्राइस जो 30 रुपया लिया गया है 2 आलू पकौड़ा का, उसके हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से, हाँ क्वालिटी के हिसाब से सही है। तो हमने ट्रेन में खाया था समोसा 20 का 2, उससे तो बढ़िया है भाई, 30 का 2 मिला, उससे बढ़िया टेस्ट में, काफी बढ़िया टेस्ट में। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सीमांचल एक्सप्रेस का वॉशरूम। तो देखिए वॉशरूम में जाने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फुट ऑपरेटेड वाटर डिस्पेंसर है, और इसका ये तोड़ दिया है, इसका रबर जो है ये तोड़ के वहाँ चला गया है। ये सुबह ठीक था, सुबह ठीक था, ये किसी कस्टमर पार्ट नहीं तोड़ा है। पैसेंजर लोग नुकसान करते हैं, फिर थोड़ा सा करते हैं ना, पैसेंजर की गलती होती है, कोई बात नहीं। और ये फुट ऑपरेटेड वाटर डिस्पेंसर है, और साथ ही तरह डस्टबिन, और यहाँ पे DCP टाइप एक्सटिंग्विशर है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का कंडीशन। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते ही सामने में आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा मिरर, ऊपर लाइट है, और ये सोप होल्डर है मे बी, और ये है वाटर डिस्पेंसर, और ये भी फुट ऑपरेटेड है। यहाँ पे देखिए साथ ही लिक्विड सोप है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, यहाँ प्रेस करना पड़ेगा तब जाके लिक्विड आपके हाथ में आएगा। अलीगढ़ तक सीमांचल एक्सप्रेस के 3rd AC इकोनॉमी क्लास का बाथरूम सही है, मतलब एवरेज कह सकते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं है, ना ही ज़्यादा साफ है, मतलब एवरेज है। सोच रहा हूं किससे पूछूं उस लड़की का नाम, हे तो अब हम लोग आ चुके हैं गाजियाबाद, और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की जो ट्रेन है ना बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है गाजियाबाद। और हमारे जो को पैसेंजर थे नेपाल के विराटनगर के, वो यहीं पे गाजियाबाद में ही डिबोट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी घर है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखो हमारे उत्तर प्रदेश की आन बान और शान ये शहर है गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, सभी शहर है इसके बाद, और इसका नाम है जिला गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद पूरी जर्नी में मतलब मज़ा आ गया, मतलब सुबह से उठे, मतलब रात में तो पता नहीं चला, सुबह उठे तब से मतलब इनसे मुलाकात हुई, तब से लेकर अभी तक मतलब पता ही नहीं चला कि भाई कैसे जर्नी कट गया। तो मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। चलिए अब देखेंगे अगर फुर्सत मिला तो फिर अगली जर्नी में कभी साथ किया जाएगा। क्या चलिए ठीक है। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आनंद बिहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है लगभग 25 मिनट डिले। वैसे ये जो ट्रेन थी ना बिल्कुल पंक्चुअल थी, जी हाँ, लेकिन आउटर पे 25 मिनट वहाँ लग गई और भाई ट्रेन हो गई डिले। भाई मतलब बदनाम आई ये ट्रेन। तो हमको लगा आज तो कम से कम टाइम से पहुँचाएगी, लेकिन भाई आज भी ये ट्रेन जो है सीमांचल एक्सप्रेस टाइम से नहीं पहुँचाएगी। वैसे मुझे एक अंकल बता रहे थे कि अभी ट्रेन जो है ना पंक्चुअल रहती है, लेकिन भाई वो गलत साबित हुआ क्योंकि मुझे पता था ये जो ट्रेन है ना अभी भी पंक्चुअल नहीं है। इसलिए जब भी आप इस ट्रेन से जर्नी करते हैं, अगर आपके यहाँ से कहीं जाना है, कनेक्टिंग ट्रेन है, तो भाई सोच समझ के जर्नी कीजिएगा क्योंकि ये ट्रेन पंक्चुअल नहीं रहती है। आज तो 20 मिनट डिले पहुँचा रही है ना, 20-25 मिनट आज डिले है, अदरवाइज ये भाई 1.5 घंटा, 2 घंटा, कभी कभी 3-3 घंटा डिले होती है। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो घर से आप खाना ला सकते हैं, पहला बात। दूसरी बात कि अगर आप नहीं लाते हैं तो साइड 20 है, वहाँ से आप ले सकते हैं 120 की थाली, वेज थाली और अंडा थाली 130 का आपको पड़ेगा। साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो 3A सी इकोनॉमी तो नया कोच था, तो साफ़ सफाई काफ़ी बढ़िया था। हाँ, वाशरूम एवरेज था, उसे थोड़ा और अच्छी तरीके से साफ किया जा सकता था। दूसरे कोच का भाई कंडीशन नहीं बता सकते हैं, लेकिन बगल में मेरे कोच के बगल में 3A सी और कोच लगा हुआ था, तो उसका जो है ना भाई वाटर डिस्पेंसर जो बाहर में बेसिन होता है ना वो पूरा चौक था, वो हम आपको नहीं दिखा पाए। तो दूसरे कोच का मेंटेनेंस भाई उतना अच्छा नहीं है, इसका इसलिए है कि ये कोच नहीं है, तो मेंटेनेंस पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस ट्रेन में। और पंक्चुअल तो भाई सबसे बड़ी बात है ना टाइम, ठीक है, अगर ट्रेन अगर टाइम से पहुँचाए ना तो मैनेज किया जा सकता है। साफ़ सफाई थोड़ा अगर नहीं भी रहे ना, टाइम से अगर ट्रेन पहुँचाए तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन पंक्चुअल ही नहीं रहती, अब क्या किया जा सकता है। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे। और वैसे आज की जर्नी थोड़ी सी मज़ेदार हो गई क्योंकि वो पैसेंजर जो मिले थे ना मेरे, मज़ेदार थे। लव यू।